नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसिविस क्लास। तो सिलेबस आपके सामने लेके आ चुका हूँ, राजनीति विज्ञान कोर्ट 028। और आपका जो पाठ्यक्रम है 2022-23 का है। कई बच्चों ने कमेंट किया था क्या सर 11वीं के लिए कुछ नहीं कराओगे क्या, तो कोई बात नहीं, कम से कम सिलेबस तो अपलोड कर दूंगा, ये मैंने चीज पहले ही बताई थी। तो प्यारे बच्चों, कुछ समय नहीं मिल पा रहा था, अब मुझे पास समय मिला है, तो हिंदी माध्यम में आपको सिलेबस में देने जा रहा हूँ। इंग्लिश वालों को तो मिल ही जाता है, हिंदी माध्यम के लिए पता है प्यारे बच्चों माय सीबीएसई क्लास है, तो उसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो कक्षा 11वीं, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपने आर्ट्स ले रखी है, अब तो कई बच्चे मेरे साथ होंगे, कई बच्चे मेरे साथ नहीं होंगे, कई ने आर्ट्स, कई ने कॉमर्स और कईयों ने साइंस ले रखी होगी। और आर्ट्स में कईयों का अलग अलग सब्जेक्ट होगा, जिसके पास राजनीति विज्ञान है वो उसके लिए फायदेमंद होगा, जिसके पास नहीं है वो कोई और वीडियो भी देख सकता है। तो राजनीति विज्ञान, ठीक है, आपके पास ये बुक होगी। आर्ट्स में तो अनिवार्य होती है, अगर ये है ही नहीं तो फिर किस बात का आर्ट्स पढ़ रहे हो यार। तो राजनीति विज्ञान, अब ये कहूं विज्ञानों का विज्ञान है प्यारे बच्चों, सच मानो विज्ञानों के विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके दो किताबें हैं, भाग अम है भारतीय संविधान, बहुत है जरूरी, बहुत अच्छी किताब, और दूसरा जो किताब है आपके राजनीतिक सिद्धांत। प्यारे बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो 11वीं का सिलेबस बता रहा हूं प्यारे बच्चों, 11वीं का। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये चीजें बाद में भी काम आएगी। अगर आपने आर्ट्स ले लिए प्यारे बच्चों, ये दोबारा आपकी लाइफ में आएगी, याद रखना। ये देखो राजनीति सिद्धांत, एमए राजनीति विज्ञान, मतलब कि जो आप 11वीं पढ़ोगे प्यारे बच्चों वो आपको एमए में भी आएगा, बीए में भी आएगा, राजनीति सिद्धांत, ठीक है। इसके अंदर कौन सी चीजें नहीं है, ये देखो मैंने कब खरीदी थी, लॉकडाउन के पहले की बात है, ठीक है, 24 नवंबर 2017 को खरीदी थी, समझ रहे हो, और नवंबर को दिसंबर बना दे, जनवरी से अगर स्टार्ट कर 2018-19-20-21-22 पांच सालों के प्यारे बच्चों ये किताब खरीदे हुए मेरे को। तो उस टाइम में मुझे भी ये चीजें नहीं पता थी, जो राजनीति सिद्धांत मैं 11वीं पढ़ रहा हूँ वो मुझे बाद में पता चलेगी। देखो वो चीजें क्या है कि बैकग्राउंड में कोई बताने वाला होता है तो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, वो चीजें और अच्छे से करते। तो कोई नहीं, मैं आपको सिलेबस के साथ ये भी बता रहा हूँ, राजनीति सिद्धांत है, आपको अगर एमए करते तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके अंदर तो मैं ज्यादा चीजें बताऊंगा, समानता स्वतंत्रता क्या एक दूसरे के विरुद्ध है, सिद्धांत 2015 का किस प्रकार से प्रश्न पूछा, ये एमए का है, ठीक है प्यारे बच्चों। राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, उदारवाद की संकल्पना, तो कहने का ये मतलब मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ, पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने बीए में भी लिया था, वो बीए वाली मेरी किताब खो गई, लेकिन राजनीति सिद्धांत देखो कि मेरे पास एक दूसरी किताब है, ये भी है डॉक्टर पुखराज जैन की, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये मैंने 8 जुलाई 2022 को खरीदी है, नो रिटर्न नो एक्सचेंज पे, और ये प्रयागराज से खरीदती मैं, राजनीति सिद्धांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र हेतु, मतलब कि ठीक है मैंने अपने स्टडी हेतु के, मतलब अपनी स्टडी के लिए प्यारे बच्चों ली है इस किताब को। इस किताब को दिखाने का प्यारे बच्चों मेरा यही एक उद्देश्य है, ठीक है, कि जो आप राजनीति सिद्धांत प्यारे बच्चों पढ़ोगे, राजनीति विज्ञान परिभाषा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्षेत्र और प्रकृति, ठीक है। तो कहने का मतलब कौन कौन से टॉपिक, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपको बस मैं ये सिलेबस में बस ये किताबें आपको इस वजह से दिखा रहा हूं, अगर राजनीति सिद्धांत प्यारे बच्चों अगर पढ़िएगा तो केवल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप बीए और एमए करेंगे तो चीजें घूम के आएंगी आपको। अगर आपका बेस ठीक ठाक है, बेस मस्त तरीके से, तो आप एमए और बीए में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और टीजीटी पीजीटी अगर टीचर बनेंगे तो धाजू है, आपके लिए तो मजा ही आ जाएगा, टीचर बनने के लिए फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो चलिए संविधान, अब ये मत समझिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, संविधान तो आपका बहुत, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही। तो ये मेरे मतलब राजनीति सिद्धांत जो मेरे करिकुलम के अंदर है, इस वजह से मैंने दोनों किताबें दिखा दी। भारतीय संविधान भी है लेकिन इसका थोड़ा सा अंश है, लेकिन ज्यादातर सिद्धांत का ही, तो मैं सिद्धांत का दिखाया, लेकिन आपके 11th में राजनीति सिद्धांत। और या दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक किताब खरीद ली होगी तो दिखाना चाहता हूँ, जो राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार जो आपकी किताब का है भारतीय संविधान, उसमें आपके 9 चैप्टर है, 9 में से कितने चैप्टर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर है आपके लगातार, मेरे ख्याल से लगातार है कि नहीं, लगातार नहीं है, देखो भारतीय संविधान और अधिकार, ठीक है, भारतीय संविधान अधिकार नहीं, बस संविधान संविधान है प्यारे बच्चों। संविधान के बाद आपको है चुनाव और प्रतिनिधित्व, तो दूसरा चैप्टर आपके चैप्टर में नहीं है, तीसरा है, ये तीसरा अध्याय है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, अध्याय अगर मैं कहूं तो ये अध्याय एक है, ठीक है, ये अध्याय एक है, ये अध्याय आपका तीसरा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अध्याय संविधान क्यों, कैसे संविधान का निर्माण, ये चीजें पढ़नी है, चुनाव का प्रतिनिधित्व, चुनाव के लोकतंत्र, भारत में चुनाव व्यवस्था और सुधार, आपका विधायिका है, विधायिका ये आपको अगर मैं देख के बताऊं तो ये पांचवा, ठीक है यार बच्चों, ये पांचवा चैप्टर है, और कार्यपालिका जो है आपका चौथा चैप्टर है, ठीक है, न्यायपालिका आपका है छठा चैप्टर, ठीक है, और छठा अध्याय है मतलब, और न्यायपालिका बस संघवाद, संघवाद है आपका सातवां अध्याय प्यारे बच्चों, और स्थानीय शासन जो स्थानीय शासन है
आपका आठवां अध्याय है, अध्याय आठवां, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो चीजें आप तो देख ही सकते हैं, कौन सी चीज न्यायपालिका में, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका संरचना, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण, ठीक है। ये पॉइंट आपको पढ़ने प्यारे बच्चों, आप भारतीय संविधान में आपका, ठीक है, राजनीति सिद्धांत में, ठीक है। अगर मैं आपको राजनीति सिद्धांत दिखाऊं प्यारे बच्चों, बौखंड राजनीति सिद्धांत में देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर है प्यारे बच्चों, 10 में से बस पहला ही चैप्टर आ रहा है, इसी वजह से हमने भी हल्के में ले लिया था, क्यों क्या ही क्यों ही पढ़े, लेकिन प्यारे बच्चों जो भी पढ़िएगा तसल्ली और ध्यान से पढ़िएगा। राजनीति सिद्धांत एक परिचय, मतलब आपका दूसरी बुक का राजनीति सिद्धांत में परिचय यही आ रहा है, इसमें राजनीति क्या है पहला चैप्टर प्यारे बच्चों, फिर बता रहा हूं एकदम मस्त तरीके से मक्खन लगा के पढ़िएगा। वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई, क्या करें अब। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा वेट करने के बाद लाइट आ चुकी है, और कहां पे थे, चलो कोई बात नहीं। राजनीति सिद्धांत क्या है इसमें, मतलब कहने मतलब इसमें 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से दूसरी बुक का बस पहला ही अध्याय आ रहा है, ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो पाठ्यक्रम है 30 सितंबर 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए। समस्त अध्यायों से अपेक्षित अध्यांश आधारित केस स्टडी बेस्ड उत्तर प्रश्न का अभ्यास करना, मानचित्र और कार्टून कार्य करना, 30 सितंबर 2022 तक मध्यावधि परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना, पुनरावृत्ति मध्यावधि परीक्षा, मध्यावधि प्रश्न पत्र पर चर्चा होगी, ठीक है। 30 सितंबर से प्यारे बच्चे सब कुछ हो जाएगा। अब ये एसे 2 पे चलते हैं, देखो मैं वही बात कह रहा था, अब ये आपका आ गया दूसरी बुक प्यारे बच्चों, याद रखना ये यहां तक ही है आपका, अब यहां तक बस फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, मतलब एसे टू में सारा पूछा जाए, जैसे कि आपको पता है। तो पेपर होने के बाद आपको बाकी अब ये चीजें पढ़नी है, जैसे मैंने बताया था पहला आपको पहली बुक ज्यादातर करा दी गई थी, दूसरी बुक स्वतंत्रता समानता सामाजिक न्याय अधिकार नागरिकता राष्ट्रवाद, ठीक है, ये चीजें पढ़ानी है, स्वतंत्रता लिबर्टी बनाम फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी बनाम फ्रीडम, देखो इंग्लिश में हम दोनों का लिबर्टी का मतलब ही आजादी, फ्रीडम का मतलब ही आजादी समझते हैं, लेकिन दोनों में अलग मतलब माना जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे हम, समानता समानता क्या है, न्याय न्याय के बारे में, अधिकार नागरिकता राष्ट्रवाद, ठीक है, धर्म निरपेक्षता, जैसा कि मैंने आपको प्यारे बच्चों राजनीति सिद्धांत में आपको ये चीजें बताई थी, जब हमारे पास ये राजनीति विज्ञान की जो आपकी किताब थी, देखो उस वाले में बताया था, ये देखो अधिकार स्वतंत्रता समानता, ठीक है, और क्या कहते हैं ये आपके कानून राज, ठीक है, दंड वगैरह आप में अभी नहीं आया है, ठीक है, बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं बेस काफी 12th का आपको 11th का बना के चलना पड़ेगा, ताकि आपको बाद में जाके दिक्कत ना पड़े, ठीक है, और राष्ट्रवाद धर्म निरपेक्षता, और हाँ आपके बुक में कुछ ये कार्टून वगैरह भी प्यारे बच्चों आते हैं, ठीक है, इन कार्टून वगैरह का भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कार्टून में क्या पूछा गया, इस प्रकार से 5 अंकीय प्रश्न पूछे, निम्नलिखित अंकित कार्टून का अध्ययन कर और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, किस प्रकार से कार्टून दिए जाते हैं, कार्टून में क्या दिखाया गया, देखो हमारे नेताजी हैं, बाकी कौन फुटबॉल खेल रहा है, मतलब नेता ही होते हैं, उनका मतलब पूछा जाता है, ठीक है, बाकी ये सब चीजें बाकी है, बाकी मैं दिखा दूंगा अगर मैं स्टडी कंटिन्यू कराता रहा आपकी। तो समस्त अध्यायों से अपेक्षित गद्यांश आधारित केस स्टडी बेस प्रश्न उत्तर का अभ्यास करना, मानचित्र और कार्टून कार्य करना, मैंने कार्टून कार्य दिखा दिया। 31 जनवरी 2023 तक वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना है, आपके पास कोई लेट लतीफा नहीं होगा प्यारे बच्चों। फिर पुनरावृत्ति भी करानी है, परियोजनाकार प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन के लिए परियोजनाकार और मौखिक परीक्षा की तैयारी, वार्षिक परीक्षा की फिर तैयारी होगी, मतलब 31 मतलब इस साल में आपका 2021 तक सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये रहा कुछ डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, क्या है, द प्रोजेक्ट वर्क विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 20 मार्क्स, जैसे कि आपको पता है 20 मार्क का हर बार होता है, आउट ऑफ 20 मार्क्स 10 मार्क्स और भी अलाउटेड टू द वाइवा वॉइस एंड द 10 मार्क्स ऑफ फॉर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, तो ठीक है ये सब तो पता है, 10 मार्क का वाइवा होता है, 10 मार्क का आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, किस टॉपिक बनाना है किस टॉपिक नहीं बनाना है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पेयर ग्रुप में भी हो सकता है, चार से पांच बच्चों का अगर होगा तो प्रोजेक्ट कैन बी मेड ऑन अ टॉपिक गिवन इन द सिलेबस ऑफ द पर्टिकुलर क्लासेस, मतलब ठीक है ये तो आपको सब दे ही देंगे, आपको अपने हिसाब से बनाना, सिक्किम वाला पिछली बार बनाया 10th क्लास में याद है, तो 11th में कुछ इसी प्रकार से बनाना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और जो मैंने आपको BA MA किताबें दिखाई है इससे तो कुछ न कुछ आप आश्वस्त हो ही गए होंगे, जब मैं 11th में था प्यारे बच्चे तो किसी ने कुछ नहीं बताया था, बस हम चुपचाप पढ़े जा रहे थे, हमें नहीं पता कि सब चीजें घूम के दोबारा आती हैं, कोई समझाने वाला नहीं था, खुद स्टडी की है, जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, मैंने प्यारे बच्चे आपको बता दिया है। वैसे बीसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।